टाइम्स ऑफ भारत आपको लगातार बता रही कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में आईटी और जीएसटी की कार्रवाई लगातार की जा रही है अलग अलग ठिकानों पर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर ये सामने आई है कि महाराष्ट्र में विशेष तौर से मुंबई में आईटी की रेड जारी, वो भी एक नहीं बल्कि करीब 14 ठिकानों पर, जिसमें 8 कमर्शियल शामिल हैं, 6 रेसिडेंशियल ठिकाने हैं, यहां पर कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग ठिकानों पर रेड की गई है। इतना ही नहीं बल्कि अंधेरी, विले पार्ले और मलाड इलाकों में ये रेड की जा रही है। मेरी साथी जुड़ रही है शिवानी, शिवानी मिश्रा का रुख कर लेती हूँ। शिवानी जरा बताइए इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट्स है? देखिए फिलहाल आपको बता दें कि सुबह जो ये है रेड्स प्लान की गई थी, जहां पर आईटी टीम की जो एक बहुत बड़ी टीम है मेजरली, वो अलग अलग ठिकानों पर मौजूद है। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को ये सबसे पहले खबर दी है कि 14 ठिकानों पर मुंबई के अंदर अकेले ये पूरी रेड चल रही है। तकरीबन सबर्ब्स का जो एरिया है ज्यादातर रेड्स वहां चल रही है। हालांकि अब तक उसमें से क्या क्या बरामद हुआ है ये बात साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो रेड है ये और बड़े पैमाने पर कंटिन्यू की जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टिप है वो सेंट्रल एजेंसी को मिली है यहाँ पर, जिसके बिना पर इस रेड को कंडक्ट किया जा रहा है। हालांकि अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई गई है, लेकिन 8 कमर्शियल कंपनीज हैं, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इनके जो ऑफिसेज हो सकते हैं मुंबई के अंदर वो भी एक स्पॉट हो सकता है जहां पर आईटी की रेड फिलहाल चल रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए शिवानी, फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो